नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और आप सभी का स्वागत है जागरण दिल्ली में। दोस्तों, जिस तरह से तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के बीच में कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, उस पर अब बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर ने आखिरकार तनुश्री दत्ता पर लगाए हुए आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पूर्व मिस इंडिया तनुश्री दत्ता ने नाना पर 2009 में आई फिल्म ऑन ओके प्लीज के सेट पर उनसे बदतमीजी करने का आरोप लगाया था। इस मामले में जब मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने नाना का बचाव किया तो तनुश्री ने उन्हें भी इस विवाद में लपेट लिया और उन पर आरोप लगाया है कि वह दो चेहरे वाले व्यक्ति हैं। अब नाना ने इस मुद्दे पर अपनी बात कही है। मिरर नाउ से बात करते हुए 65 वर्षीय नाना ने तनुश्री के सारे आरोपों खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं, मैं कैसे जान सकता हूँ कि वह ये सब क्यों बोल रही हैं, यौन शोषण से उनका क्या मतलब है, सेट पर मेरे साथ 50 से 100 लोग रहते थे। नाना ने आगे कहा कि मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, लेकिन यह सब मीडिया को बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप तो कुछ भी चलाएंगे, जिसे जो कहना है कहता रहे, मैं अपना काम करता रहूंगा। बता दें कि तनुश्री दत्ता ने लंबे समय बाद अमेरिका से भारत लौटकर ये आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था नाना का औरतों से छेड़छाड़ का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में सभी को पता है कि वह औरतों के साथ बदतमीजी करती हैं, वे एक्ट्रेस पर हाथ भी उठा चुके हैं।